फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के फिक्स्चर्स आ चुके हैं। इंडिया नवंबर में काफी बड़ी दो टीम्स को खेलने जा रही हैं, जो कि ना सिर्फ उनका फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का जो रूट है वो आसान बना सकती हैं या मुश्किल बना सकती है, बल्कि उनके जो एएफसी एशियन कप की तैयारी है उसका भी असली आईना हमारे को नवंबर में दिख सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। कल हमने देखा कि हमारे को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का ग्रुप मिल चुका है, जिसमें हम इंडिया के अलावा कुवैत, कतर एंड द विनर बिटवीन मंगोलिया एंड अफगानिस्तान को हम फेस करेंगे आने वाले 8 से 10 महीनों में, वो भी उनके होम पे एक बारी एंड अपने होम पे एक बारी। बट फिक्स्चर्स ऑफिशियली आउट हो चुके हैं एंड इंडिया अपना पहला मैच फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का खेलेगी अगेंस्ट कुवैत ऑन 16 नवंबर, वो भी कुवैत के घर पे जाके हमने कुवैत को खेलना है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा आई थिंक मुश्किल मैच होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछली बारी हमने कुवैत को दो बारी जो खेला है वो अपने घर पे खेला है, होम सपोर्ट के साथ खेला है, एंड फिर भी हम उनको रेगुलर टाइम में नहीं हरा पाए। हमने एक बारी उनके अगेंस्ट ड्रॉ दर्ज करा एंड एक बारी हमने उनके अगेंस्ट पेनल्टीज पे विन दर्ज करी, तो हम 90 मिनट्स के खेल में अभी तक कुवैत को नहीं हरा पाए हैं। ऑल दो यस, कुवैत की रैंकिंग बहुत पीछे है इंडिया से, 140 के आसपास उनकी रैंकिंग है, बट दे आर नॉट द टीम विच इज केपेबल ऑफ 140 रैंकिंग। काफ़ी अच्छी रैंकिंग हो सकती है उनकी, वी ऑल नो दैट। एंड होम सपोर्ट अगर आप कुवैत का देखोगे तो बहुत ही लाजवाब उनका होम सपोर्ट रहेगा उनके साथ, एंड आई थिंक जो क्वालिटी है इंडिया और कुवैत के बीच में, वो रैंकिंग अगर हम देखें तो लगेगा कि इंडिया की फार मोर सुपीरियर टीम है, बट कुवैत की जो टीम है आई थिंक वो काफ़ी अच्छी है, ऑन द बॉल, विद द बॉल, ऑफ द बॉल, टैक्टिक्स वाइज अगर मैं बात करूँ तो, फिजिकैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो, गेम प्लेइंग सेंस की बात करूँ तो कुवैत की टीम मेरे को इंडिया से अभी भी ऊपर लगती है अगर मैं रैंकिंग को छोड़ दूँ तो। बट 16 नवंबर को कुवैत को खेलना है हमने उनके होम पे जाके वो भी, एंड उसके बाद हमने 21 नवंबर को खेलना है कतर के अगेंस्ट, वो भी इंडिया में, तो हमने अपने घर पे खेलना है कतर को, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है अपने आप में। बट इंडिया के बैक टू बैक फिक्स्चर्स पहले दो जो है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारी रिदम सेट कर सकता है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एंड कहीं ना कहीं हमारे को असली आईना दिखा सकता है बिफोर द मच अवेटेड एएफसी एशियन कप। यस, वही एएफसी एशियन कप जिसकी प्रिपरेशन हम शुरू कर देंगे सितंबर से बाय प्लेइंग इन किंग्स कप एंड मर्डेका कप, बट अक्टूबर में मर्डेका कप के बाद हमने फिर नवंबर में खेलना है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, एंड जो हम दो बड़ी ऑपोजिशंस के अगेंस्ट अपने फ्रेंडलीज चाहते थे वो एक तरीके से अब हम देखने वाली बात यह होगी कि क्या इगोर सीमैच इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ उतरेंगे एज अ फ्रेंडलीज इनको देखेंगे इन दोनों फिक्स्चर्स को फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के, या फिर वो देखेंगे यार नहीं हमारा एक जो कदम होना चाहिए वो फीफा वर्ल्ड कप के ओर भी होना चाहिए, क्योंकि जो दो बड़ी ऑपोजिशंस के साथ हमारे मैच हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम पहले दो मैचेस ही अगर हार गए फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के तो एक पैर हमारा ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा फीफा वर्ल्ड कप से, जो हमारे क्वालिफायर्स का सिनेरियो है राउंड थ्री में पहुंचने का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारी टीम फोकस कहीं ना कहीं कर रही है इस वक्त ज़्यादा एएफसी एशियन कप में। बट देखने वाली बात होगी कि इगोर सीमैच क्या ये जो 2 नवंबर में ब्लॉकबस्टर फिक्स्चर्स आ रहे हैं दोनों ही बड़ी टीम्स के अगेंस्ट, क्या इसको एक डिफेंसिव अप्रोच के साथ देखते हैं या फिर वो विन दर्ज करने के अप्रोच से देखते हैं, क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ जाएंगे तो आई थिंक काफ़ी एक बुरी अप्रोच होगी वो। बट लेट्स सी, यहाँ पे ये दो फिक्स्चर्स ऐसे हैं आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट नहीं करवा सकते बिल्कुल भी, एंड आपको अपनी ए क्लास टीम उतारनी पड़ेगी, अपनी बेस्ट टीम उतारनी पड़ेगी, तभी आप कुवैत के अगेंस्ट एंड कतर के अगेंस्ट आप कम से कम ड्रॉ निकाल पाओगे, क्योंकि ये हमको भी पता है कि दोनों के अगेंस्ट विन दर्ज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हमने दोनों के अगेंस्ट ड्रॉ दर्ज कर लिए तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी एक पाथ पे चल रही होगी हमारी टीम, हम ये समझते हैं फॉर द एएफसी एशियन कप, क्योंकि दिसंबर में आई डोंट थिंक कि हमारे को फिर कोई भी मैच अवेलेबल होगा फॉर फ्रेंडली बिफोर द
एएफसी एशियन कप, तो यही दो मैचेस मैं देखता हूँ कि आखिरी मैचेस होंगे हमारे बिफोर द एएफसी एशियन कप इन जनवरी। वेल लेट्स सी, इसके बाद हमने जो खेलने हैं फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस, वो हमने खेलने हैं मार्च में, जहाँ पे हम दो मैचेस खेलने वाले हैं। दो मैचेस हमने नवंबर में खेलने हैं, दो मैचेस हमने मार्च में खेलने हैं, एंड फिर उसके बाद आखिरी दो मैचेस हमने खेलने हैं जून में। तो कहीं ना कहीं ये सम अप कर देगा हमारा राउंड टू, एंड राउंड टू के जो सारे फिक्स्चर्स है वो जून में एंड हो जाएंगे। अगर हमारी टीम अच्छा खेल रही हुई, टॉप टू थ्री में हुई, तो हमारी टीम आगे पहुंच जाएगी राउंड थ्री में, वरना हम हो सकता है कि हम बाहर भी हो जाए। बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या हमारी टीम पहुंचेगी राउंड थ्री में। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड आप क्या सोचते हो, इंडिया कुवैत एंड कतर के अगेंस्ट नवंबर में क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल सकती है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।